सीपी ने खुद ने कन्फेस किया है ऑन द चैनल कि उनकी मल्टीपल टाइम्स अजीत पवार से बात हुई। तो मैंने यही कहा कि अभी ये किस लिए बात हुई, क्या उसको बचाने के लिए, अग्रवाल के बेटे को बचाने के लिए थी, या उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग थी, किसके लिए उन्होंने बात की? तो ये लोगों तक आना जरूरी है। तो मैंने दो चीजें मांगी थी कि एक उनका फोन जो है वो जब्त किया जाए, और दूसरा ये मेरी मांग थी कि उनकी नार्को टेस्ट की जाए। तो मैंने जैसे ही कहा, दो दिन लगातार कहा, वैसे अजीत पवार ने कल शाम को ऐसे कहा है कि नार्को टेस्ट के लिए मैं तैयार हूं, जो वो अंजलि दमानिया बोल रहे हैं, और अगर वो कहते हैं कि मेरी नार्को टेस्ट होनी चाहिए, मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर मैंने नार्को टेस्ट की और ऐसा सब नहीं निकला, तो अंजलि दमानिया ने अपनी सोशल लाइफ जो है वो, जो एक्टिविज्म है वो बंद कर देना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए। मैंने तुरंत रात को ट्वीट किया कि मैं इसके लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हूं, मैं अपना एक्टिविज्म छोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे इतना यकीन है कि अजीत पवार उसमें डेफिनेटली इन्वॉल्व है। जो आदमी की लव मेरिडियन पूना जैसी होटल है, ग्रैंड शेरिटन है, लव मेरिडियन महाबलेश्वर है, उनके दो लग्जरी क्लब्स है पुणे में चलते हैं, इतने मल्टीपल बिजनेस पार्क्स है, सोसाइटीज की सोसाइटीज है, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस है उनके, वो कोई सुनील टिंगरे से डेफिनेटली बात करने वालों में से नहीं है, और जो गार्डियन मिनिस्टर है वो उनको पहचानते नहीं है, ये भी मैं मानने को तैयार नहीं हूं। मुझे सीधा सीधा लगता है कि इसमें अजीत पवार का ही हाथ है, और दोषी वो है तो उनको सजा ये मिलनी चाहिए। 4 जून 2024 ये तारीख भारत का भविष्य तय करने जा रही है। 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे।